शाहबाद नगर पालिका में उप प्रधान के कमरे को लेकर विवाद उलझता ही जा रहा है। शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने कहा कि बार बार व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। कमरा लेना है तो बैठकर बात करो, हमसे बात करो, चाहे ऊपर से भी कमरा अलाट करवा लो, फिर भी कमरा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो भी लोगों का काम रोकेगा वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शहर के अंदर एक व्यवस्था बिगाड़ने के लिए बार बार ये प्रयास कर रहे हैं, क्या चाहेंगे? मैं कहता तभी जो चाहा हमारे एमसी बैठे, 10 सारे एमसी इकट्ठे करो ना, कमरा लेना, बैठ कर बात करो, हमसे मर से बात करो। ये थोड़ी धक्का जबरदस्ती शहर में गुंडागर्दी ऐसे कभी भी नहीं होने दूंगा। जहाँ जो मर्जी कर लें, जहाँ कमरा या ऊपर से लाट करवा कर ले आओ, फिर भी निंदा जब तक अपने एमसी शांति नहीं कर दे। मैं बार बार करेंगे और मैं इंस्क्यूज करना चाहूँगा, मेरे जितने भी मेरे हल्का वासी शाहबाद दुकानदार सारे साथी भाई सब सुन रहे हैं, तो ऐसे आदमी को कभी भी जो आदमी काम रिकॉर्ड करता है, जो काम स्टे रहता है, जनता के काम रोकते हैं, ऐसे आदमी को कभी शक्ल भी देखनी चाहिए ऐसे आदमी की। मैं खुद कहता हूँ ऐसे आदमी के जो ऐसे हम तो काम करके हम जनता के बीच, मैं खुद कहता हूँ अब सारे MLA, सारा हल्का MLA, सारा शाहबाद MLA, ये एक MC बन गया, छोटा MC वाइस चेयरमैन बन गया, ऐसे कर अच्छी लग दी। हमारी बेटी है, बहन है, सब कुछ है, हम कहाँ भी कमरा लेना, हमारे से बात करो, बैठ का हम कमरा देंगे उसको, बैठो। ये थोड़ी है धक्का जबरदस्ती आए यहाँ कमेंट धक्का सही करे, आ जाओ जिन्ना आने बाजो, बैठ कर बात करो, हम बुला रहे हैं, बुलाओ उसको, आप पत्रकार बंधु सारे सुन रहे, बुलाओ उनको भी, कैसे कमरा चाहिए, कौन सा कमरा चाहिए। ऐसे जबरदस्ती शहर में हमारा अच्छा शहर, अच्छा शरीफ शहर, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे को सब कुछ जानता हूँ मैं इनकी बात। ये जो कह रहे ना भी शरीफ विधायक का, शरीफ विधायक दबा लो, हम हमारे साथ जनता, हमारे साथ जनता को बनाए, हम जनता ने चेयरमैन बनाया इनको, इनको तो 4 MC फीस कर आज वाइस चेयरमैन बन गए हूँ, सारे सारे मोल लेना सोच रहे, नहीं सारा सारे मोल लिए जनता के पास, मैं आगे वास्ते भी कह रहा इनको जितना मर्जी जोर लगा दें, अच्छा करेंगे सर के लिए सब कुछ है, आज माड़ा करेंगे सर के लिए कुछ नहीं बक्सा। अब कमरा खुलने दिया जाएगा नहीं? बिल्कुल कमरा नहीं मिलता, जहाँ जहाँ मर्जी बक जाओ, आएगा MC से बात करो, चेयरमैन से बैठ कर बात करो, कमरा ले लो आकर बैठ। जिस तरह नगर पालिका दोस्त है और ऐसे बदमाशी नोट देंगे हम, उन्होंने पूर्व राज्य में धन्यवाद करूंगा मैं ऐसे बदमाशी करा शहर में, तो अगर इसको भी वोट मिलती है बिल्कुल भी, कोई भी ऐसे वोट नहीं देता बदमाशी में, जब उसको कह दी भाई ले ले कमरा का, धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल ये थे का मंदिर है, कानून व्यवस्था को बहाल रखना, कानूनी प्रक्रिया भी चलेगी और मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगा। जिस प्रकार से कल मैंने शाम को यहाँ आकर देखा 150-200 फाइलें जो सरकारी संपत्ति होती है, लोगों की फाइलें, बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। कल DFC क्षेत्र आए थे तो उन्होंने कमरा लौट कर दिया और विधिवत हम बैठ गए, कोई में डिस्प्यूट नहीं है। कुछ आदमियों ने, अवांछित आदमी जो हैं, जो असामाजिक आदमी हैं, उन्होंने, हमें पता लगा सवेरे कि जो DMC कल नेम प्लेट लगवा के गए थे वो किसी आदमी ने, हमें जो विश्वास सूत्रों से पता चला कि रात शराब पी के 3-4 आदमी आए, उन्होंने वो नेम प्लेट तोड़ दी। हमने रिटर्न कंप्लेंट कर दी है, तो अब पुलिस जांच करेगी, चौकीदार को पूछेगी भी कौन आदमी थे, कौन आए और किन्होंने नेम प्लेट तोड़ी। विधायक राम का कोई खास बात नहीं, विधायक जी तो यही चाहते थे भाई माहौल खराब ना हो, कोई ऐसा सोल्यूशन निकल जाए, तो मैंने कहा भी सोल्यूशन क्या निकलेगा इसमें, तो जो DMC ने डायरेक्टर के ऑर्डर से DMC ने आगे खुद कमरा अलॉट किया है, तो इसमें डिस्प्यूट के किस बात की, कंट्रोवर्सी किस बात की जाएगी। तो उन्होंने जिस बात को माना, वो मीटिंग में जा रहे थे और बोला कि 3 बजे मैं आ जाता हूँ और बैठ के इसका एक बार ऐसा हल निकालें कि शाहबाद का माहौल भी ठीक रहे और विकास कार्य भी और लोगों के काम भी होते हैं। डॉक्टर गुलशन, जब कोई कंसीडर करने के लिए प्रशासन को भेज देता तो प्रशासन का काम है ना उसको किस तरह से कंसीडर करता है। जब गृह मंत्री जी ने लिख दिया, जो हमारी दरखास्त थी उसमें लिख दिया कि कंसीडर इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में ये कार्य विचार करें, तो उन्होंने विचार किया भी जनहित में यही है कि अलग कमरा उप प्रधान को दे दिया जाए, तो उन्होंने दे दिया कमरा। तो उन्होंने कहा वो तो DMC साहब से पूछे, उन्होंने ही कमरा दिलाया, उन्होंने खुलवाया, उन्होंने ही हमें बिठाया, तो DMC साहब से पूछे, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं ना हमने किसी फाइल को हाथ लगवाया। अब बात, हाँ हाँ, वो तो
परमानेंट है वो तो कमरा, जब डीएमसी साहब ने डायरेक्टर साहब के ऑर्डर से आके अलॉट कर दिया तो वो तो परमानेंट है, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दो राय नहीं इसमें। शाहबाद मारकंडा से विजय कुमार की रिपोर्ट, देखते रहें अजीत समाचार।